इसलिए आप जब देखें यूरोप का सारा स्पोर्ट और यूरोप का तमाम फिलॉसफी ऑफ एंटरटेनमेंट, सारी की सारी जितनी भी है वो इन दो चीजों के गिर्द है कि आप ये एंटरटेनमेंट क्यों कर रहे हैं, स्पोर्ट्स क्यों इतने खेल रहे हैं, नई नई वो इजादें और नए नए काम वो करते हैं किस लिए करते हैं, उनके पास फुर्सत है, वो अपने आप को टेंशन में रखना नहीं चाहते, इसलिए कुछ इंजॉयमेंट करने के, समथिंग टू न्यू, कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। उन्होंने उसके लिए फिर स्टेज ड्रामे बनाए, उसके लिए वो कुछ स्टेज ड्रामों के अंदर जा करके कर रहे हैं, अपना गम गलत कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ को हॉकी पर लगा दिया। ओलंपिक्स का एक बहुत बड़ा उन्होंने काम कर दिया कि साल दो साल चार साल तक आप खूब मेहनत करें, आपके बड़े बड़े लोग हैं नेट पर बैठे हैं, वो बाप है वो अपने बेटे को 12-12, 18-18 घंटे प्रैक्टिस क्रिकेट की करवाता है, ताकि उसका एक पैशन था क्रिकेटर बनने का, नहीं बन सका, क्लर्क बन गया, अब वो अपने लड़के को दिन रात मेहनत करके, पैशन मेरा है, इनके पैशन देखें लोगों के, हाँ जी क्रिकेट खेलवानी है, मेरा शौक था मेरा बेटा फुटबॉल खेले, मेरा शौक था मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा शौक था मेरा बेटा, तो जो तुम्हारे शौक हैं उन्हीं के मुताबिक होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी भी अपने शौक को, अपने बेटे का हसन हुसैन के बारे में ये नहीं कहा कि मेरा ये शौक है कि मेरा हुसैन ये बने और मेरा ये शौक है मेरा हसन ये बने। नबी के पास भी नौजवानों की खेप थी, नौजवानों को कभी खुतबा दूंगा, तुम्हारी क्या औकात, ये नौजवान डंगर फिरते हैं मेरे सामने, जानवर से नौजवान, जो सारा दिन खाने के अलावा जिनको काम नहीं है, कोई काम नहीं है। 25 साल के थे हजरत उमर जब ईमान लेकर आए हैं, 10 साल के अली हैं, आप अपना हिसाब लगाते जाएं। साद बिन मुआज 30 साल में नबी के पास आया है और 36 साल में, 6 साल के अंदर वो नबी से रुखसत हो गया शहीद होके। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी की मौत पर अल्लाह का अर्श नहीं कांपा, जब साद गया तो अल्लाह का अर्श कांप गया।